मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है सभी तक? सर बताइए सभी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी ठीक। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी बच्चे चैट में लिख रहे हैं, मैंने सोचा आप वैसे ऑडियो से रिप्लाई करेंगे। ओके चलिए, तो एक मिनट इस बोर्ड को सेट कर लेते हैं थोड़ा। आज हम ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए थे किसी भी कारणवश, कोई भी मजबूरी के कारण, ये चैप्टर जो आप शुरू कर रहे हैं इसका एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, क्योंकि एक लेक्चर अगर आप मिस करते हो तो पूरा समझ में नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूँ ये बात, ठीक है? तो आपने क्या काम करना है, अब जितने भी लेक्चर इस चैप्टर के आए वो सारे के सारे आपने रेगुलरली देखने हैं, ठीक है? और यहाँ पे अटेंडेंस सभी बच्चों की नोट हो जाती है जो जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है? इस टाइम 10 बच्चे जो है वो शो हो रहे हैं, कि एक मैं भी उनमें शायद, तो नहीं, स्टूडेंट्स में 22 में से 9 या 10 बच्चे जो हैं वो अभी जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, और उस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है? चलिए चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो आप सभी को ही पता है कि जो केमिस्ट्री है वो एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है, ठीक है? बहुत ही बड़ी मतलब कहने का मतलब एक सब्जेक्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई गई हैं। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री होती क्या है, इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिख रखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिनोमिना अकरिंग एट सरफेस और इंटरफेस, सरफेस और इंटरफेस, ये डेफिनेशन है सरफेस केमिस्ट्री की। कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो किस चीज के साथ डील करती है, स्टडी के साथ, यानी पढ़ाई के साथ, किसी भी चीज की स्टडी। हाँ जी, तो विद द स्टडी, स्टडी के साथ किस चीज की स्टडी, वो सभी फिनोमिना, वो सभी प्रोसेस जो कहाँ पर अकर होते हैं, किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पे अकर होते हैं या फिर इंटरफेस पे अकर होते हैं। अब इंटरफेस क्या है, मान लीजिए ये दो फेज, ये कंटेनर है, इसमें नीचे जो फेज है वो है सॉलिड और ऊपर जो फेज है वो है लिक्विड। तो ये जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है जो इन दोनों को सेपरेट कर रही है, इसी बाउंड्री को बोला जाता है इंटरफेस, ठीक है? दोबारा सुनिए लीजिए, इंटरफेस क्या है, सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री होती है उसी को बोलते हैं अपन इंटरफेस। तो फिर से, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो किस चीज के साथ डील करती है, स्टडी के साथ, किस चीज की स्टडी, वो सभी फिनोमिनास की जो अकर होते हैं या तो सरफेस पे या फिर इंटरफेस पे, ठीक है? सरफेस तो आपको पता ही है, सरफेस को बोलते हैं किसी भी चीज की। इंटरफेस क्या होता है, दो फेज के बीच में जो ये सेपरेशन है उसको बोला जाता है, ठीक है? ये वाली जो ये लाइन है इसको बोला जाता है, यानी बाउंड्री सेपरेटिंग द टू फेज। तो ये है जी डेफिनेशन सरफेस केमिस्ट्री की। आगे जो टर्म है जो हमें स्टडी करनी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर के अंदर उसके बारे में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, वो है एडसोर्प्शन। एडसोर्प्शन आपने पहले क्या पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा, है ना? इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, एडसोर्प्शन पढ़ना है। उससे पहले आप एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एडसोर्प्शन, ठीक है? एडसोर्प्शन, तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको बुक से बता देता हूं। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई एक वेसल है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक बर्तन है, इसमें हमने
गैस भर रखी है, गैस भर रखी है या लिक्विड भर रखा है, गैस और एनी लिक्विड, गैस और एनी लिक्विड, यानी एडसॉर्प्शन को समझने के लिए पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। हमारे पास एक बर्तन है वैसल, उसमें हमने गैस भर रखी है या फिर कोई भी लिक्विड जो है वो भर रखा है, ठीक है। आगे क्या आगे लिख रखा है कि अगर आप इस वैसल के अंदर कोई सॉलिड डाल देते हो, कोई इस वैसल के अंदर अगर आप कोई सॉलिड डाल देते हो, लाइक कौन सा सॉलिड, जैसे कि चारकोल, चारकोल क्या होता है जी, कोयला होता है चारकोल, ठीक है, या फिर सिलिका, सिलिका, सिलिका क्या होता है, SiO2, SiO2, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप कोई अटैची वगैरह खरीद के लेके आते हैं, सूटकेस लेके आते हैं या कोई इलेक्ट्रिसिटी की चीज लेके आते हैं, तो उसमें ना एक थैली सी होती है, छोटी सी, छोटा सा पाउच होता है, उसके लिए लिखा भी होता है डू नॉट ईट, लेकिन फिर भी कई जो है वो उसको खा के देख ही लेते हैं कि पता नहीं खरीदने वालों ने कोई प्रसाद वगैरह भेजा है क्या, है ना। तो मे बी आप सभी ने भी ऐसा किया हुआ हो, मैंने तो किया है ऐसा, ठीक है। तो चारकोल, चारकोल के साथ मैंने क्या लिख रखा है, सिलिका, सिलिका वही चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट जब जब जिन बॉक्सेस के अंदर रखते हैं उनके अंदर ये चीज जो है पाउच के अंदर भर के रखते हैं, मैं बाद में बताऊंगा ये क्यों रखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये पाया गया कि जब इन कंटेनर्स में कोई सॉलिड डाला जाता है तो इस गैस के, अगर आपने इसमें गैस डाल रखी तो गैस के, या इसमें अगर कोई लिक्विड डाल रखा है तो लिक्विड के, कुछ मॉलिक्यूल जो है उस सॉलिड की सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और रिटेन हो जाते हैं। अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, टुवर्ड जाना किसी चीज के, और रिटेन का मतलब वहीं जाके जमा हो जाना। तो मैं फिर से एक लाइन के अंदर आपको बताता हूं, इसमें लिख रहा था कि ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ सॉलिड लाइक चारकोल, सिलिका, इनको जब ऐड किया जाता है किसके अंदर, एक क्लोज्ड वेसल के अंदर, एक बंद बर्तन के अंदर जिसमें आपने कोई गैस या कोई एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड कोई ले रखा है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है गैस के या फिर इस लिक्विड के जो है अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द सरफेस ऑफ सॉलिड, ये जो सॉलिड आपने डाला है ना इसकी सरफेस की तरफ थोड़े से ये क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हीं की सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं, लग जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इस बर्तन में जो गैस या फिर लिक्विड आपने लिया था उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ मात्रा जो है वो तो सॉलिड पे जाके लग चुकी है, ठीक है। तो यही चीज है भाई, यही फिनोमिना ऑब्जर्व किया गया था और उसी बेस पे एडसॉर्प्शन को स्टडी किया गया था। एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, एक बर्तन लिया गया उसमें गैस फिल करी गई या फिर कोई लिक्विड फिल करा गया, या ऐसे समझ लीजिए एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लिया आपने, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें सोल्यूट कौन है, सोल्यूट होगा एसिटिक एसिड, सोलवेंट कौन होगा, सोलवेंट होगा वाटर, क्योंकि हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक। हमने क्या बनाया है, एक्वस सोल्यूशन, या तो इसमें आप कोई गैस फिल करो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी, या इसमें कोई लिक्विड फिल करो, लिक्विड मीन एक्वस सोल्यूशन फिल कर दो एसिटिक एसिड का। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा एसिटिक एसिड लेंगे, उसमें पानी मिक्स कर लेंगे, बन गए, अच्छा इस बर्तन में फिल कर लेंगे, ऊपर से इसमें कोई सॉलिड ऐड करेंगे लाइक चारकोल, कोयला या फिर सिलिका। क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि जब आप इसमें कोई सॉलिड डालते हैं तो इस कंटेनर के अंदर अगर आपने गैस फिल कर रखी है तो गैस के मॉलिक्यूल, और अगर आपने इसमें कोई लिक्विड फिल किया तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल, जो आपने सॉलिड डाला था उसकी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड रिटेन हो जाते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट एंड रिटेन, यानी वहीं जाके चिपक जाते हैं, इसी फिनोमिना को एडसॉर्प्शन, सिंपल भाषा में बताओ, बिल्कुल सिंपल भाषा में, ये कोई सब्सटेंस है, अगर इसकी सरफेस पे कोई चीज लग जाती है, सरफेस पे, बल्क अंदर नहीं, अंदर नहीं, सिर्फ सरफेस पे अगर कोई चीज लग जाती है तो इस फिनोमिना को एडसॉर्प्शन कहा जाता है। यानी एक सब्सटेंस की सरफेस पे, सरफेस पे अगर कोई दूसरा सब्सटेंस चिपक जाता है, लग जाता है, तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन आपा बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी देखेंगे, ठीक है। सिंपल भाषा में एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे लग जाना, चिपक जाना, ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं बुक के अंदर क्या लिख रखा है, तो बुक में लिख रखा है द फिनोमिना, यानी एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया, किस चीज की, ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड, यानी किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना किसी सॉलिड की सरफेस पे, इसी को क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन बोला जाता है। और ये होने से क्या हो जाएगा,
उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो है सॉलिड की सरफेस पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो तो आपको खुद ही पता है कि अगर सरफेस पे कोई चीज़ आके लगेगी तो यहाँ पर उसकी मात्रा जो है, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। तो व्हाट इज एडसॉर्प्शन, अगर हमें कोई डेफिनेशन पूछे, क्योंकि हमें तो भाई देखो एक तो होती है सिंपल भाषा में बात समझना, एक होता है डेफिनेशन लिखना, जहाँ डेफिनेशन लिखने की बात होती है वहाँ डेफिनेशन लिखनी पड़ती है आपको। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडसॉर्प्शन, क्या होती है, इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा फिनोमिना है ठीक है, जिसमें क्या होता है, इन विच देर इज अट्रैक्शन, फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना और अपने पास रिटेन कर लेना, किसकी सरफेस पे, ऑन सरफेस ऑफ अ लिक्विड, कोई लिक्विड की या फिर कोई सॉलिड की सरफेस पे किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन एंड रिटेंशन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं ठीक है। ये था भाई एडसॉर्प्शन। अब ध्यान से इसका कोई एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि ये आपको समझ में आए। तो चल एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा लेंगे। ये कंटेनर है, इसमें मान लीजिए आपने गैस भर रखी है नाइट्रोजन, इसमें आपने नाइट्रोजन गैस भर रखी है ठीक है, नाइट्रोजन गैस N2। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर चारकोल ऐड कर दिया। चारकोल का मतलब होता है कोयला, चारकोल का मतलब कोयला ठीक है। तो वो चारकोल ऐड कर दिया, सिंपल सी बात आपको पता है क्या होगा, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले तो इस चारकोल की सरफेस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और फिर उसी की सरफेस पे क्या हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे ठीक है। रिटेन का मतलब वहीं जाके जमा हो जाएंगे, तो इसी प्रोसेस को एडसॉर्प्शन कहा जाता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस चारकोल के टुकड़े को थोड़ी देर के बाद बाहर निकाल लिया, तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, एक तो ये चारकोल का टुकड़ा मिलेगा और एक इसके ऊपर इसकी सरफेस पे लगी हुई नाइट्रोजन गैस जो है वो मिलेगी, दो चीजें मिलेगी। अब यहीं से खेल शुरू होता है दो टर्म्स का, और वो दो टर्म्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है, अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर देती है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना उनको भी कंफ्यूज कर देती है। वो टर्म सुन लीजिए, एक टर्म है एडसॉर्बेंट ठीक है, एक टर्म है एडसॉर्बेट, एडसॉर्बेट। अब हमें पता है, सिंपल सी बात है, हमें पता है एक सब्सटेंस की सरफेस पे दूसरे सब्सटेंस का लग जाना दिस इज एडसॉर्प्शन, हमें पता है। ये एडसॉर्बेंट और एडसॉर्बेट क्या है ये जान लीजिए, अब ध्यान से सुनना, जिसकी मैं लिख देता हूं, जिसकी सरफेस पर कोई सब्सटेंस लगा है, जिसकी सरफेस पर कोई सब्सटेंस लगा है उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एडसॉर्बेंट। समझ आ रही है ना बात क्या कह रहा हूं, जिसकी सरफेस पे लगा है, किसके सरफेस पे नाइट्रोजन लगी है, कोयले के, चारकोल के, हेयर चारकोल इज एडसॉर्बेंट, चारकोल क्या है, एडसॉर्बेंट है। क्योंकि एडसॉर्बेंट किसे बोला जाता है, जिसकी सरफेस पे कोई सब्सटेंस आके लगा है उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, एडसॉर्बेंट। हेयर चारकोल इज द एडसॉर्बेंट, और जो सब्सटेंस सरफेस पे आके लगा है, जो सब्सटेंस सरफेस पे आगे लगा है उसको क्या बोला जाता है, एडसॉर्बेट बोला जाता है। मैं लिख देता हूं, जो सब्सटेंस सरफेस पर आकर लगा है, एग्जांपल यहां पे क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो ये भाई एक तरीका है इसको क्लियर करने का कि व्हाट इज एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट। एडसॉर्प्शन तो सभी को पता है, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे आके लग जाना, डेफिनेशन वाले टाइम वो याद करोगे आप, द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस टुवर्ड द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड, वो डेफिनेशन हो जाएगी, लेकिन सिंपल भाषा में मैंने बता दिया आपको। तो अब इसमें एडसॉर्बेंट कौन है, जिसकी सरफेस पे कोई सब्सटेंस आके लगा है, जिसकी जिसकी सरफेस पर कोई सब्सटेंस आके लगा है, चारकोल की सरफेस पे आके लगा ना, तो चारकोल इज द एडसॉर्बेंट। और एडसॉर्बेट क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस सरफेस पर आकर लगा है, यानी कि नाइट्रोजन गैस। बुक में देखें क्या डेफिनेशन लिख रखी है, बुक में लिख रखा है जो सब्सटेंस सरफेस पे आके एडसॉर्ब हुआ है, जो सब्सटेंस सरफेस पे आकर के एडसॉर्ब हुआ है वो तो कहलाता है एडसॉर्बेट, जो सब्सटेंस सरफेस पे आके एडसॉर्ब हुआ है वो तो कहलाता है एडसॉर्बेट। और एंड सब्सटेंस
ऑन विच इट इज एडजोर्ब, और जिस सब्सटेंस पर आके ये लगा है उसको बोला जाता है एडजोर्बेंट, जो लगा है एडजोर्बेट, जिस पर लगा है एडजोर्बेंट, याद रख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस आकर के लगी है एडजोर्बेट, जिस पर लगी है एडजोर्बेंट, हियर चारकोल इज द एडजोर्बेंट, क्लियर। एडजोर्बेंट एडजोर्बेट क्लियर है, बताइए शाबाश चैट के अंदर बताइए, पता चले, देख लेता हूं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, यस यस, बिल्कुल सभी का आंसर आया है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो ना तो वो भी चैट के अंदर लिख सकता है कि दोबारा करवाओ या जो भी है, ठीक है। तो ये था भाई, बिल्कुल सही, ये था आपका कि एडजॉर्प्शन क्या है, डेफिनेशन आप याद कर लोगे, एडजोर्बेंट क्या है, एडजोर्बेंट क्या है, यहाँ समझाया जा रहा है आपको, साथ के साथ आपको डेफिनेशन भी बताई जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिख रखा है, ठीक है, ठीक, एक चीज पूछूंगा आपसे और मेरे को आप बताना कि वो क्या चीज है, ठीक है। देखिए, चारकोल पर गैस का यानी नाइट्रोजन गैस का आ करके सरफेस पे लग जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, चारकोल की सरफेस पर नाइट्रोजन गैस का या कोई भी गैस का आगे लग जाना क्या कहलाता है, बताइए चैट के अंदर बताइए शाबाश, क्या कहेंगे इस प्रोसेस को, क्या कहेंगे, बिल्कुल सही, दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन, ये एडजॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर मैं इसी कोयले को थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूं या फिर इसको मैं हीट कर दूं, तो हीट करने से क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन गैस लगी थी ना ये क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, ये उड़ जाएगी, सिंपल सी बात है भाई, नाइट्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगी ना हीट करने से, तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये जो नाइट्रोजन गैस लगी थी ये यहाँ से उड़ जाएगी, यानी एडजॉर्प्शन का उल्टा हो गया है, रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का उल्टा, रिवर्स प्रोसेस, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ था उसका रिमूव होना, ठीक है, मैं डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं, उसमें लिख रखा है रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस, यानी सरफेस से एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस का रिमूवल, यहां से चले जाना उसका, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डीजॉर्प्शन, इसको बोला जाता है भाई डीजॉर्प्शन, इसको डीजॉर्प्शन कहा जाता है, बहुत ही सिंपल सी टर्म है, यानी जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ था उसका सरफेस से रिमूव हो जाना ये क्या कहलाता है, डीजॉर्प्शन कहलाता है, और कैसे होगा ये, बाय हीटिंग, जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन हुआ उसको थोड़ा सा हीट कर दो, अपने आप जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी डीजॉर्प्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सो डीजॉर्प्शन इज ऑल्सो क्लियर, कोई पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी सिंपल सी चीज है, जो सब्सटेंस लगा था उसका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एक टर्म और आती है, हाँ एक टर्म आती है ओक्लूजन, ओक्लूजन ये एक एक नंबर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ओक्लूजन ये क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं, हाँ बहुत सिंपल, जब आपका एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट फिक्स हो, कि आपका एडजॉर्बेंट मेटल है, ध्यान से सुनना, अगर फिक्स हो कि आपका एडजॉर्बेंट मेटल है और ये भी फिक्स हो कि एडजॉर्बेट गैस है, ये भी फिक्स हो कि एडजॉर्बेट गैस है, यानी अगर दो चीजें फिक्स है, एडजॉर्बेंट इज मेटल एंड एडजॉर्बेट इज गैस, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज ओक्लूजन, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, ओक्लूजन कहा जाएगा, बहुत सिंपल एक लाइन में बता देता हूं, गैसेस का एडजॉर्प्शन, गैसेस का एडजॉर्प्शन किसके सरफेस पे, मेटल की सरफेस पे, दिस इज नोन एज ओक्लूजन, इसको क्या बोला जाता है, ओक्लूजन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर ये दो चीजें फिक्स है, गैस का मेटल की सरफेस पे आके एडजॉर्ब होना क्या कहलाता है, ओक्लूजन कहलाता है, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब अपन एग्जांपल देखेंगे एडजॉर्प्शन के, ये दोनों चीजें क्लियर है ना, डीजॉर्प्शन एंड ओक्लूजन क्लियर, क्लियर है, बताइए शाबाश, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, ओके ओके ठीक है। तो ये दोनों टर्म बहुत ही सिंपल सी थी, डिसॉर्प्शन एंड ओक्लूजन। अब नेक्स्ट है एविडेंस, या फिर एग्जांपल कह सकते हो एडजॉर्प्शन की, ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल आप चेक करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं।
बहुत सिंपल से सिंपल आपस में सर जो है वो करेंगे। तो आपने इसमें जो एग्जांपल करना है, हम क्या करेंगे, एक एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इसका एक्वस सॉल्यूशन रो शुगर का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे, यानी जो मील वगैरह होती हैं जहाँ पर ये चीनी वगैरह बनती हैं, ठीक है, चीनी की जो मीलें होती हैं वहाँ पर पहले रो शुगर तैयार करी जाती है, यानी कच्ची चीनी जो है वो तैयार करी जाती है। ये येलोइश कलर की होती है, येलो कलर की होती है, ठीक है, येलोइश कलर की ये चीनी जो है दिखती है, ठीक है। उसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेंगे, यानी इसको पानी में घोल देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे चारकोल, इसमें ऐड करेंगे चारकोल, यानी इस एक्वस सॉल्यूशन में हम चारकोल ऐड कर देंगे और इसको फिल्टर कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर। देखो ध्यान से क्या हुआ, क्या चीनी का एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें हमने चारकोल ऐड कर रखे हैं और उसको फिल्टर कर लिया, ठीक। जो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा, जो आपके पास फिल्ट्रेट आएगा वो बिल्कुल कलरलेस होगा, वो बिल्कुल क्या होगा, कलरलेस, यानी उसमें कोई कलर नहीं होगा। ये ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि ये जो चारकोल है ना, इस चारकोल ने इस चीनी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, ये येलो कलर किस वजह से होता है, इम्प्योरिटीज की वजह से, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज थी इस चारकोल ने क्या कर लिया, उनको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि सोख लिया है। तो फिल्टर करते वक्त चारकोल भी ऊपर रह जाएगा छलनी के, और उसने इम्प्योरिटी तो सारी रख ही ली थी, तो बिल्कुल प्योर जो चीनी का सोल्यूशन है वो हमें नीचे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है। और इसी के अंदर इसी के क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं, और उससे हमें जो दानेदार चीनी मिलती है वो इसी फिल्ट्रेट के क्रिस्टलाइजेशन से मिलती है, तो उसके क्रिस्टल्स जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसमें लिख रखा है कि जब रो शुगर जो कि येलो ब्राउन कलर की होती है, उसका एक्वस सॉल्यूशन को शेक किया जाता है या मिक्स किया जाता है चारकोल के साथ, और उसके बाद उसको फिल्टर किया जाता है, तो जो फिल्ट्रेट हमें मिलता है वो कलर लेस होता है, और उसी से हमें व्हाइट कलर के क्रिस्टल जो है वो मिलते हैं चीनी के। उसके आगे इसमें लिख रखा है दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कलर्ड इम्प्योरिटीज थी वो एब्जॉर्ब करी जा चुकी है, किसके द्वारा, चारकोल के द्वारा। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि चारकोल जो है आरओ में भी यूज किया जाता है ना, आरओ जो होते हैं पानी को प्योर करने वाले, उनमें भी सेम प्रोसीजर होता है, चारकोल होता है उसके अंदर, और वो क्या कर लेते हैं, इम्प्योरिटीज जो होती है पानी के अंदर उनको वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसकी भी एक क्षमता है, थोड़े टाइम के बाद जो है वो चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चारकोल एक फेस वॉश जो होते हैं, जो लेडीज वगैरह यूज करते हैं, उनके अंदर भी एक्टिवेटेड चारकोल होता है। उसमें आप नेट पे सर्च करना एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, बस इसी को ही पीसा जाता है, चारकोल को पीसा जाता है, ठीक है। वो एक्टिवेटेड चारकोल यानी कोयला बेचा जा रहा है भाई, और ऊपर नाम लिख दिया जाता है पतंजलि, डाबर, है ना, तो ये कमाइयां कर रहे हैं चारकोल से। नेक्स्ट एग्जांपल, सिलिका जेल का एग्जांपल मैंने अभी दिया था आपको थोड़ी देर पहले। सिलिका जेल क्या होता है, ये पैकेट से होते हैं, पाउच से होते हैं, इसमें भी दाने से होते हैं, ठीक है, सिलिका जेल के अंदर। और ये कहाँ रखे जाते हैं, ये आप अगर सूट के अटैची वगैरह ये लेके आते हैं, इनके अंदर रखे जाते हैं। किस लिए रखे जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता ना कि ये चीज़ें जल्दी से बिक जाएंगी या नहीं, बहुत लंबे समय तक अगर ये पड़ी रहती हैं तो जो मॉइस्चर है वो इन चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। तो ये चीज़ उनमें क्यों डाली जाती है, क्योंकि सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अराउंड अगर कहीं पर भी वाटर वेपर हैं, पानी के वेपर्स हैं, तो ये सिलिका जेल उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि सोख नहीं, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सरफेस पे जो है अपने रिटेन कर लेगा, ठीक है। सोखने को तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इसमें लिखा है अगर सिलिका जेल को एक क्लोज्ड वेसल में रखा जाए जिसमें मॉइस्ट एयर है, तो थोड़ी देर के बाद जो एयर है वो ड्राई हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो चुके हैं सिलिका जेल की सरफेस पे। चलिए इसमें ऐसा लिख रखा है, ये कंटेनर है, इसमें आपने मॉइस्ट एयर भरी थी। मॉइस्ट एयर का मतलब भाई, मॉइस्ट एयर का मतलब मॉइस्चर वाली एयर, जिस एयर में नमी हो। अच्छा, सानिया ने कहा ओक्लूजन बता दो, ओक्लूजन बहुत सिंपल सी चीज थी, मैं थोड़ी देर के बाद चैट मैंने देखा, सॉरी उसके लिए। ओक्लूजन कुछ नहीं था, ये मेटल है, ये मेटल की सरफेस है। अगर गैस का मॉलिक्यूल आके मेटल की सरफेस में, दोनों चीजें फिक्स है, गैस आ रही है और ये मेटल की सरफेस है, अगर गैस का मॉलिक्यूल मेटल की सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो रहा है तो इस प्रोसेस को ओक्लूजन कहा जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है।
हाँ जी आगे बढ़िए। एग्जाम्पल पहला ये सुगर वाला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल है सिलिका जेल का। अगर आपने इस कंटेनर में मोइस्ट एयर भर रखी है और इसमें आप सिलिका जेल डाल दो तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद आप चेक करोगे तो इस कंटेनर में आपको ड्राई एयर मिलेगी, ड्राई एयर मिलेगी। इसका मतलब मॉइस्चर कहाँ चला गया, मॉइस्चर को सिलिका जेल ने क्या कर लिया है, अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लिया। पानी तो होता है, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या होता है, पानी वाली एयर जिसमें नमी हो। थोड़ी देर के बाद ये ड्राई एयर में कन्वर्ट हो जाएगी, ड्राई एयर में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि इसका जितना भी वाटर है वो सोख नहीं एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसके द्वारा, सिलिका जेल के द्वारा। और भी कई एग्जाम्पल दे रखी है, एक भाई आप सॉलिड वाला दे रखा है कि अगर आप फाइनली डिवाइडेड सॉलिड जैसे चारकोल, मैंने कहा पीसने का फायदा क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अगर एक फाइनली यानी अच्छे से कूटा हुआ या पीटा हुआ जो सॉलिड है अगर आप उसको किसी बर्तन के अंदर डालते हो जिसमें आपने गैस भर रखी है, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ अमाउंट जो है गैस की एडजॉर्ब हो जाती है उस सॉलिड की सरफेस पे। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो हम चेक करने वाले हैं वो है कि एडजॉर्प्शन क्यों होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, और उसी के साथ एक जुड़ी हुई एक और टॉपिक है कि व्हाई एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दोनों चीज़ों का आंसर आपको अभी थोड़ी देर में मिलने वाला है और दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। याद रखना एडजॉर्प्शन सिर्फ सॉलिड पर ही नहीं होता, लिक्विड पर भी होता है। ठीक है, तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं एडजॉर्प्शन की। मैकेनिज्म और एडजॉर्प्शन, हमारे पास एक कंटेनर है, ध्यान से सुनना, एक एक चीज एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें हमने कोई लिक्विड भर रखा है, कोई भी लिक्विड, तो इसके अंदर हम दो मॉलिक्यूल जो हमको स्टडी करेंगे। एक इस लिक्विड का वो मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल बल्ब के अंदर प्रेजेंट है, यानी अंदर की तरफ प्रेजेंट है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो ये चारों तरफ से अदर मॉलिक्यूल से क्या है, सराउंडेड है। ठीक है, अदर मॉलिक्यूल से ये क्या है, सराउंडेड, ये वाला मॉलिक्यूल इसको स्टडी कर रहे हैं जो इंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो चारों तरफ इक्वल लग रहा है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो इक्वल लग रहा है, यानी कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों भाई, क्योंकि जो उसको इधर इतना खींच रहा है उधर वाला भी उतना खींच रहा है, जो उसको ऊपर जितना खींच रहा है नीचे वाला भी उतना ही खींच रहा है। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल है जो इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है लिक्विड के अंदर, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है चारों डायरेक्शंस में या सभी डायरेक्शंस में इक्वल है और बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके ऊपर लग रहा है। अब बात आती है, अगर उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यानी अगर वो बैलेंस्ड है, यहां मैं लिख देता हूं बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसका मतलब ये चीज, ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये स्टेबल है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है। और जो चीज स्टेबल होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई और लो, चैट में बताइए। जो चीज स्टेबल होती है उसकी एनर्जी हाई होती है या लो होती है, बताइए शाबाश आंसर्स, देख लेते हैं लो। ठीक है, सभी का आंसर बिल्कुल सही, लो लो लो। ठीक है लो। तो कहने का मतलब ये जो मॉलिक्यूल है जो अंदर वाली साइड प्रेजेंट होता है उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, लो है, जो कि बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये हो गया जो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी कहानी। अब सोचिए जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट होता है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, बिल्कुल जो सामने जो सरफेस पे। ठीक है, तो चलिए उसको स्टडी करते हैं। इसके इधर मॉलिक्यूल हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इसको इधर से खींचा जा सकता है, इधर से भी खींचा जा सकता है, इधर से भी खींचा जा सकता है, लेकिन ऊपर से इसको कोई खींच नहीं रहा है। इसका मतलब
ये जो मॉलिक्यूल जो सरफेस पर पाया जाता है इसके ऊपर सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा इनवर्ड पुल जो है महसूस करता है ना। ये देखिए ऊपर तो कोई खींच ही नहीं रहा, तो ये थोड़ा सा इनवर्ड पुल जो है महसूस करेगा। तो क्योंकि यहाँ सभी डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो कौन से हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सी बात पूछूंगा, अगर ये मॉलिक्यूल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे लग रहा है तो क्या ये स्टेबल है? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, क्या ये स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है? चैट के अंदर नो 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 नो, ठीक है, बिल्कुल सही, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ये स्टेबल नहीं है, यानी ये मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है, ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल, और जो चीज अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी, अनस्टेबल होता है उसकी एनर्जी बिल्कुल हाई 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 एनर्जी होती है, हाई एनर्जी, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सारा कुछ सही है, बिल्कुल सब कुछ सही बताया आपने, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए क्या है, क्या बात है, अगर आप अनस्टेबल हो, आपके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, क्या आप चाहोगे स्टेबल होना? बिल्कुल भाई, सभी चीजें स्टेबल होना चाहती हैं, इसका मतलब ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है ये भी स्टेबल होना चाहता है। बिल्कुल ऐसी ही चीज सॉलिड के अंदर भी होती है, अगर कोई सॉलिड है तो उसमें क्या होंगे, उसमें एटम्स होंगे, जो एटम अंदर की तरफ है उसमें तो सभी डायरेक्शन में क्या होंगे, इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सरफेस पे है उसके ऊपर इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगते, इसका मतलब सेम वही बात है, ये सॉलिड की बात है, ये लिक्विड की बात है, सेम चीज का, यहाँ पे ये क्या है, बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेबल लो एनर्जी, लेकिन जो सरफेस पर है अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अनस्टेबल एंड हाई एनर्जी। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो है उनकी भी इच्छा है कि हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो इनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए ये कोई गैस का एटम है या मॉलिक्यूल है, कोई भी सब्सटेंस जब इनके कॉन्टैक्ट में आता है तो ये उसको अट्रैक्ट और रिटेन करने की कोशिश करते हैं, किस लिए, क्योंकि इनको पता है कि अगर ऊपर कोई एटम हमारे लग गया तो हमारे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएंगे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस्ड हो गए तो हम भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और हमारी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। दो ही बातें, अंदर वाला मॉलिक्यूल के ऊपर बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टेबल लो एनर्जी, सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अनस्टेबल एंड हाई एनर्जी, लेकिन इसकी इच्छा तो है ना स्टेबल होने की, तो यही बात है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, सरफेस पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल जो है उनकी एक ऐसी खास प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जब उनके सरफेस के तरफ आता है या उनके कॉन्टैक्ट में आता है तो वो उसको अट्रैक्ट और रिटेन करने की कोशिश करते हैं, किस लिए, ताकि उनका जो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, जो अनस्टेबल थे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टेबल में कन्वर्ट हो जाए, जिनकी एनर्जी हाई थी वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये है भाई मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको क्लियर किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जब आप नोट्स तैयार करो तो ये चीजें आपके काम देगी। ये सॉलिड है, ये सॉलिड की बात हो रही है, ये लिक्विड की बात हो रही है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया। तो इन्हीं अनबैलेंस्ड इनवर्ड फोर्स जो सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर लगता है उसी की वजह से उनके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वे किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट और रिटेन कर सकते हैं जो भी उनके कॉन्टैक्ट में आता है। क्या सभी बच्चों को मैकेनिज्म क्लियर है? यही है बस, उसमें थोड़ा बुक में बड़ा दिखा रखा है, जस्ट मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, बस लाइनें पढ़ने वाली बात है। क्या मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन सभी को क्लियर है? अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तभी तो एडसॉर्प्शन होगा, सोच के देखिए सर, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल आके क्यों लगेगा, आंसर मिल गया, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और हाई एनर्जी होती है, तो उनके पास एक ऐसी खास प्रॉपर्टी है कि कोई भी सब्सटेंस जो उनके कॉन्टैक्ट में आएगा वो उसको सरफेस के ऊपर क्या कर लेंगे, एडसॉर्ब कर लेंगे। रीजन आपके सामने, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? सर जो पार्टिकल बॉटम पर है वो स्टेबल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल है भाई,
क्यों स्टेबल है खुद सोचिए, क्यों स्टेबल है खुद सोचिए, क्योंकि उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, ठीक है, वो स्टेबल है। सिंपल सी बात, अगर हम बैलेंस्ड है तो हम स्टेबल है, अगर हम अनबैलेंस्ड हो तो अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, और स्टेबल है इसीलिए उसकी लो एनर्जी है। ओके, अच्छा बॉटम पर है ये वाले, कह रहे वाले ये वाले, ये तो वैसे ही नीचे, वैसे ही नीचे, ये इनको तो ना ऊपर वाले दबा के स्टेबल कर देंगे। समझ आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? कहने का मतलब जो इंटीरियर साइड पे है वो तो स्टेबल ही होते हैं, लेकिन जो अपर सरफेस, सरफेस टेंशन आपने नाम सुना होगा, ये वही चीज है, इनवर्ड पुल महसूस करते हैं ये सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? क्या क्लियर है मैकेनिज्म सभी को? बताइए बताइए, शाबाश, क्या सभी को ये क्लियर है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन? ओके ओके, चैट के अंदर लिख दिया है, हाँ जी ओके ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो भी होंगी, तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और कुछ खास नहीं है। ये मॉलिक्यूल जो सरफेस वाला है ये अपने अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाहता है बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, अनस्टेबल अनस्टेबिलिटी है इसके पास, ये कन्वर्ट करना चाहता है इसको स्टेबिलिटी में, और हाई एनर्जी को ये कन्वर्ट करना चाहता है लो एनर्जी में, ठीक है, तो इसीलिए इनके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है, इन्हीं अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव करने के लिए, उनको बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इनके पास एक ऐसी खास प्रॉपर्टी होती है कि ये जो कोई भी इनके कॉन्टैक्ट में जो गैस या लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल आता है तो उसको ये क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और रिटेन करते हैं। सो दिस वॉज द मैकेनिज्म। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एड्सॉर्प्शन हो गया, अगर एड्सॉर्प्शन हो गया, ये देखिए ये कोई गैस का मॉलिक्यूल है, इसको ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, रिटेन करेगा, मान लेते हैं कि इसने कर लिया, ये गैस का मॉलिक्यूल था, इसको इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल ने अट्रैक्ट कर लिया और रिटेन भी कर लिया, यानी एड्सॉर्प्शन हो गया है। अब बताइए ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अनस्टेबल था अब वो क्या हो जाएगा, स्टेबल, जिसकी एनर्जी हाई थी अब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो एनर्जी। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, क्या एनर्जी डिलीट हो सकती है, क्या एनर्जी डिलीट हो सकती है? नहीं, डिलीट नहीं हो सकती। अगर एक हाई एनर्जी वाली चीज लो एनर्जी वाली चीज में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगी, यानी कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सरफेस वाला मॉलिक्यूल एड्सॉर्प्शन के बाद स्टेबल हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, पहले उसकी एनर्जी हाई थी अब कम हो गई, इसका मतलब कुछ अमाउंट जो है एनर्जी की लूज होगी या रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, हीट की फॉर्म में। अब क्योंकि एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज हो रही है, और हमने 10th में पढ़ रखा है हीट रिलीज होने वाली प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहा जाता है, जिस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक। बिल्कुल सिंपल सी बात है, दैट्स व्हाई एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यही रीजन है कि एड्सॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें हीट रिलीज होती है। अगर आपसे पूछे ना क्यों, तो आंसर देखा बुक के अंदर, इसमें लिख रखा है कि जब एड्सॉर्प्शन होता है तो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सरफेस एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, और वही एनर्जी जो है वो रिलीज होती है किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, और इसीलिए ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिकल बोला जाता है। ठीक है, एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, एक सिंबल है जो आपने देखा होगा, डेल्टा एच देखा है किसी ने कहीं पे भी आया हो, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ते तो जरूर ये आप देखते, लेकिन मे भी कहीं पे आपने इसको देखा हो बुक के अंदर, किसी ने देखा है इसको डेल्टा एच को? हाँ, कहाँ देखा सोनम, कहाँ देखा गया ये आपके द्वारा? पंकज, प्रवेश ने तो पक्का देखा है बुक में। चल ठीक है, H सिंबल होता है एंथैल्पी का, अगर आगे डेल्टा लग जाए इसका मतलब
चेंज इन एंथैल्पी। अब दो ही बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होती है उसके लिए डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता, याद रख लेना। आप ना कभी कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखोगे, जैसे आपको कह दूंगा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आगे देखा होगा डेल्टा एच, तो उसमें देखना डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में दे रखी होगी, ठीक है। ये भी कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव क्यों होती है। अच्छा, कोई भी प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव। ये ऐसे सोच सकते हैं आप थोड़ा सा कि भाई एंडोथर्मिक यानी एनर्जी देनी पड़ेगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक यानी एनर्जी हमें मिलेगी तो डेल्टा एच नेगेटिव। अब बात आती है एडसॉर्प्शन कैसा है, एडसॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव और पॉजिटिव एडसॉर्प्शन के लिए, बताइए शाबाश एनीवन, कोई भी। डेल्टा एच कैसा होगा एडसॉर्प्शन के लिए, नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही नेगेटिव होगा। थोड़ा सा इसके अंदर ना और एक चीज है, वो मैं भी आपको अभी बता देता हूँ कि उसमें क्या सिस्टम है क्या नहीं। एक ना इक्वेशन होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये एक इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो है, ये है चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, इसका मैंने बताई दिया चेंज इन एंथैल्पी है, टी टेम्परेचर है, और ये जो है ये है चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है फ्रीडमनेस, एंट्रोपी क्या होती है फ्रीडमनेस। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से देखो, ये कोई गैस का मॉलिक्यूल था, ये कोई गैस का मॉलिक्यूल था जो फ्रीली हवा में उड़ रहा था, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इस गैस के मॉलिक्यूल को इस सॉलिड के ऊपर चिपका दिया। तो मेरा क्वेश्चन है, हमने इसकी फ्रीडमनेस को कम कर दिया या बढ़ा दिया, हमने इसकी गैस के मॉलिक्यूल की फ्रीडमनेस को कम किया है या बढ़ाया है, बताइए। कम किया है, बिल्कुल सही, सभी का आंसर बिल्कुल सही। कहने का मतलब गैस का मॉलिक्यूल जो फ्रीली उड़ रहा था तब उसकी एंट्रोपी जो है या फ्रीडमनेस जो है वो ज्यादा थी, लेकिन अब एडसॉर्प्शन होने की वजह से उसकी जो फ्रीडमनेस है वो क्या हो चुकी है, कम। तो इसका मतलब एडसॉर्प्शन के केस में जो डेल्टा एस है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, ये चीज क्लियर है, डेल्टा एस इज नेगेटिव। अब अच्छा, एक नाम आप सुनते हो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होने वाली प्रक्रिया, एडसॉर्प्शन अपने आप होता है, एडसॉर्प्शन अपने आप होता है, हमने थोड़ी करवाया है, एडसॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उनके लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, याद रखना। दो चीजें मैंने बताई हैं, गैस का मॉलिक्यूल फ्री में उड़ रहा था, फ्रीडमनेस काफी ज्यादा थी, लेकिन एडसॉर्प्शन की वजह से वो यहाँ चिपक जाएगा तो उसकी जो फ्रीडमनेस है वो कम हो जाएगी, इसका मतलब डेल्टा एस जो है वो नेगेटिव होगा एडसॉर्प्शन के केस में। और अगर ये आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो जो डेल्टा जी है वो भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव। अब देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये चीज नेगेटिव है। अगर ये चीज नेगेटिव है तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगा, सोच के देखिए थोड़ा, ये टर्म नेगेटिव की है, ये टी है, ये टी है, ठीक है, ये टर्म जो आपकी नेगेटिव की है, आगे भी नेगेटिव लगा था, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये टर्म इतनी कितनी जो है, ये इतनी टर्म जो है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब बताइए कि कौन सा ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव हो जाए, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव किस केस में हो सकती है, कब हो सकती है डेल्टा जी नेगेटिव, सोच के देखिए। ये टर्म पॉजिटिव की है, ये टर्म पॉजिटिव हो चुकी है अपने आप, डेल्टा एस इज नेगेटिव, तो ये आगे नेगेटिव लगा हुआ तो ये टर्म पॉजिटिव की हो गई। हमने कहा स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो कब आएगा आपका डेल्टा जी नेगेटिव, जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव होगा और साथ में मैंने क्या बताया जब वो डेल्टा एच बड़ा होगा किसे, टी डेल्टा एस, ये नोट कर लीजिए, ये चीज आप नोट करिए।
हाँ जी, ये चीज नोट कर लीजिए क्या है इसके अंदर। बहुत ही सिंपल सी बात मैंने बताई, किसी भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है, तो सोच के देखिए थोड़ा, डेल्टा जी नेगेटिव कब निकल के आएगा? ये चीज तो पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी का नेगेटिव होने का चांस तभी है जब आपका डेल्टा एच नेगेटिव हो और साथ में डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एस से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो सोच के देखिए, डेल्टा एच इज नेगेटिव, इसका मतलब ये जो एडसॉर्प्शन है अपना, वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पेपर में जब भी आए व्हाई एडसॉर्प्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक, तो आपको दो आंसर लिख के आने, एक तो जो मैंने पहले बताया ये वाला कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी का था वो लो एनर्जी, या फिर सिंपल भाषा में कहो सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, वो एनर्जी जो है रिलीज होती है हीट की फॉर्म में और रिलीज हो जाती है, सिंपल सी बात, इसीलिए एडसॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसके लिए डेल्टा जी डेल्टा एच नेगेटिव होता है। और दूसरा, ये जो सिस्टम है ये भी आपने लिख के आना है पेपर के अंदर। ये इक्वेशन सभी को समझ में आई, जस्ट याद करनी है इसको, इसके बेस में नहीं जाना, मैं जस्ट इसको लर्न करना। समझ में आई किस किस के? जिसके नहीं आई वो भी चैट में लिखो, जिसके आई वो भी चैट में लिखो, लिखो शाबाश। यस ठीक है, यस यस। कोई बच्चा जिसके समझ में ना आई हो, ये इक्वेशन समझ में ना आई हो, कोई बच्चा ऐसा है? नहीं, चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप साथ के साथ चीजें समझ रहे हो, सीख रहे हो। इसके नेगेटिव होने के चांस तभी थे जब अपना डेल्टा एच नेगेटिव होता, और डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है तभी आपका प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, एडसॉर्प्शन ऐसा नहीं है कि चलता ही जाएगा, एक टाइम आएगा जब एडसॉर्प्शन जो है रुक जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये देखिए, डेल्टा एच नेगेटिव यानी डिक्रीज होता जाएगा, टी डेल्टा एस, एक मिनट बोल रहा हूँ, और दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, उस टाइम डेल्टा जी जो है आपकी वो क्या हो जाएगी, जीरो। ये बढ़ता जाएगा जब जब एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगा ना, तो ये चीज बढ़ती जाएगी, ये चीज घटती जाएगी, एक टाइम आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, आपकी जो प्रोसेस है वो रुक जाएगी। उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, उसी पॉइंट को एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कहा जाता है, उसी पॉइंट को एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्लियर? क्या क्लियर है? क्लियर है? चैट में लिखिए फटाफट, एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, ये घटता जाएगा, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कट जाएगा, डेल्टा जी जीरो हो जाएगी, जब डेल्टा जी जीरो हो जाती है ना, प्रोसेस रुक जाती है, उसी पॉइंट को एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कहा जाता है जी। ओके ओके, ठीक है बच्चों, फिर आज इतने ही टॉपिक्स हम करेंगे। आप जो है अपना नोट्स जो अपने बनाने हैं वो साथ के साथ बनाते रहिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को जो है नोट करते रहिए, जो जो चीज़ें यहाँ करवाई जाती है। रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए ही रिकॉर्ड किया जाता है, आपके लिए अपलोड किया जाता है, ठीक है, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। और अगर पर्सनली कोई टॉपिक आपने पूछना है, समझना है, तो व्हाट्सएप कॉल कुछ भी करके आप पूछ सकते हो। ओके ओके, तो ये आज का लेक्चर आप यही एंड करते हैं। धीरे धीरे हम, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, 1 जुलाई के चांस कह रहे हैं स्कूल लगने के, ठीक है, तो 30 जून तक तो बंद का ऑलरेडी आ चुका है, तो 1 जुलाई से मे भी स्कूल ओपन हो, उस टाइम तक हमारे 2 चैप्टर या 2+ चैप्टर अगर हो जाते हैं तो भी हम लेट नहीं है, अच्छे से काम करते रहेंगे। ओके ओके, साहिल ने मेरे साथ, उसने कहा था मेरे को छुट्टी का, उसने मेरे को मैसेज करके छुट्टी का कहा था भरत। चलो कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए, ये मीटिंग, ये क्लास जो है मैं यही एंड कर रहा हूँ, और अच्छे से पढ़ते रहिए, थैंक यू।